हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेदिक टिप्स डीएमएस पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्वर भगा सिरप के बारे में, यानी कि मीपा ज्वर भगा सिरप क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसको कैसे यूज़ करना है, इसका मार्केट प्राइस क्या है। इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। और जानकारी देने से पहले आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि लास्ट में अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि ज्वर भगा है कि मीपा ज्वर भगा सिरप आखिर क्या होता है। 200 ml का एक कंटेन होता है। इस तरीके से आप देखिए कि 200 ml का एक मतलब सिरप होता है। अगर इसके बात की जाए कि बेनिफिट्स की, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो जैसे कि इस वक्त गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में ज्यादा दिक्कतें आती हैं, वो मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड की बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, जिन लोगों को मलेरिया हो जाए या डेंगू बुखार हो जाता है क्योंकि मच्छर वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से प्लेटलेट्स भी डाउन होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसे कंडीशंस में अगर आप इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ज्वर भगा या एक मीपा ज्वर भगा सिरप का इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या करता है, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड जैसी समस्या से दूर रहते हैं, यानी कि निजात दिलाएगा। इसी के साथ साथ में जिन लोगों को स्टमक प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि पेट में बहुत ज़्यादा ऐठन रहती है, पेट में दर्द रहता है, इनडाइजेशन है, आपका प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं हो पाता है, तो ऐसी कंडीशंस में भी क्या होता है कि ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और जिन लोगों का फैटी लीवर हो जाता है, यानी कि लीवर बहुत ज़्यादा फैटी हो जाता है, जिसकी वजह से पेट में स्वेलिंग हो सकती है, पेट में दुखन हो सकती है, फैटी लीवर होने की वजह से क्या होता है कि भूख बिल्कुल डैमेज हो जाती है, प्रॉपर तरीके से भूख नहीं लगती है, तो ऐसी कंडीशंस में अगर आप जो है यानी कि मीपा ज्वर भगा सिरप का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी भूख को भी खोलेगा, प्लस आपके यकृत जो फैटी हो रखा है उसको भी कंट्रोल करता है। इसका काम होता है कि आपके पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या, उसको आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। इसी के साथ साथ में मलेरिया, डेंगू जैसी समस्या से भी आपको निजात दिलाएगा। दोस्तों, एक कंडीशन और है, जैसा कि जिन लोगों को कि बवासीर वगैरह हो जाती है, पाइल्स वगैरह हो जाती है, तो जिसकी वजह से उनको मतलब पेट फ्रेश नहीं होता है मॉर्निंग टाइम में, मॉर्निंग में जब पेट फ्रेश नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि बवासीर हो जाती है और मस्सी वगैरह हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि अगर आप यानी कि मीपा ज्वर भगा सिरप का आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके यानी कि मलेरिया टाइफाइड में तो आराम करता ही है, इसी के साथ साथ में ये बवासीर में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो काफ़ी अच्छा ब्रांड है, काफ़ी अच्छा इसका प्रोडक्ट होता है। अब दोस्तों, बात की जाए कि इसका जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, यानी कि 120 rupees है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में बताएंगे आपको इसका पीने का तरीका क्या है, यानी कि प्रयोग विधि क्या होती है। अगर आप इस प्रयोग विधि का इस्तेमाल करेंगे या सही तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे इस सिरप का, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कभी भी कोई भी सिरप आप इस्तेमाल करें तो पहले अच्छी तरीके से शेक कर लीजिए, और शेक करने के बाद में यानी कि 15 से 20 mg की मात्रा में पानी में, यानी कि 15 से 20 mg मात्रा यानी पानी के साथ लेकर प्रातःकाल नाश्ता करने के बाद आप इसका यूज़ करें, तो इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है और काफ़ी अच्छा इसका ब्रांड रहता है। कभी भी अगर आपको टाइफाइड ज्वर है या फिर डेंगू जैसी समस्या है, तो उसमें अगर आप मलेरिया वगैरह है, तो आप इसका यूज़ करेंगे, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आशा करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।